हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक कॉन्ट्रैक्टर ने एक प्लेग्राउंड के अंदर जो स्लाइड्स हैं वो बनानी है। अब स्लाइड्स को उन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एक तो वो बच्चों के लिए जिनकी एज 5 ईयर्स से कम है और दूसरे वो बच्चे जो 5 ईयर्स से ज्यादा है, तो उनके लिए अलग अलग स्लाइड्स होंगी। ऑब्वियसली जो बच्चे छोटे होंगे उनकी स्लाइड जो होगी वो छोटी होगी और जो बड़े बच्चे होंगे उनके लिए स्लाइड बड़ी होगी। सो अब स्लाइडर जो भी स्लाइड्स हैं, अब हमें क्वेश्चन है कि उन दोनों की हमें लेंथ फाइंड करनी है। दोनों ही केसेस में हमें जो स्लाइड्स की है वो लेंथ फाइंड करनी है। सो पहले हम इसे रफ में थोड़ा सा समझते हैं। जो 5 साल से कम बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइड है उसकी हाइट कितनी होगी, 1.5 मीटर। तो स्लाइड की हाइट हमने बना दी 1.5 मीटर, ओके। और जो उनका इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज, का मतलब जो स्लाइड होगी वो ग्राउंड के साथ जो एंगल बनाएगी वो कितना होगा, 30 डिग्री होगा, ओके। ये तो बिलो 5 ईयर्स का हो जाएगा, ओके। अब जो बड़े बच्चे हैं, सो एल्डर चिल्ड्रंस, सो एल्डर्स के लिए हमें जो स्पेक्स गिवन है दैट इज हाइट ऑफ स्लाइड कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर, और एंगल कितना होना चाहिए, 60 डिग्री। सो इट मींस इसकी हाइट बढ़ जाएगी और इसका एंगल भी बढ़ जाएगा। सो ये 60 डिग्री है और ये हमारी 3 मीटर होनी चाहिए। सो ये दोनों ही अलग अलग टाइप्स की स्लाइड्स हैं। देखने से भी क्लियर हो जाएगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हमारे सेफ्टी पर्पस के लिए जो स्लाइड होनी चाहिए वो ज्यादा स्टीप नहीं होनी चाहिए, और जो बड़े बच्चे होते हैं वो चाहते हैं कि हम थोड़ा सा जो स्लाइड है वो डेंजरस हो, तो ऑब्वियसली वो इस स्लाइड को प्रेफर करेंगे। सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। ईच केस के लिए हमें फाइंड करना है तो 1 by 1 करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सॉल्व इट फॉर द लेंथ फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स। जो 5 साल से कम बच्चे हैं उनकी जो स्लाइड की लेंथ होगी वो कितनी होगी, लेट अस फाइंड इट आउट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी जो लेंथ गिवन है दैट इज इक्वल टू 1.5 मीटर, और जो एंगल हमें गिवन है दैट इज 30 डिग्री, ओके। इसको हम नाम देंगे, कुछ भी नाम दे सकते हैं। सो आई विल गिव इट नेम एज ए, बी एंड सी। सो बाय दिस फिगर व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए सी इज क्वेश्चन मार्क टू अस, एंड ए बी इज गिवन टू अस एज 1.5 मीटर। सो सिंपली इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे एंड वील ट्राई टू फाइंड अवर आंसर। सो ट्रिग्नोमेट्री को यूज करने के लिए हमें रेशियो बनानी होगी। सो उसमें हम क्या क्या यूज करेंगे, दो लाइंस को यूज करेंगे, एक तो जो हमें गिवन होगी दूसरी हमें फाइंड आउट करनी होगी। सो द रेशियो विल बिकम ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू, ए बी इस फिगर में अगर चेक करें इट इज इक्वल टू अवर परपेंडिकुलर, और ए सी हमारी हाइपोटन्यूज है। सो पी अपॉन एच वी नो दैट की साइन होता है, एंड एंगल इज गिवन टू अस 30 डिग्री, ओके। अब हमने ये इक्वेशन फॉर्म की है, अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। सिंपली ए बी हमें गिवन है 1.5 मीटर, ए सी हमें फाइंड आउट करनी है तो उसको एज इट इज लिख लेते हैं। साइन 30, वी नो दैट की साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, द आंसर विल कम एज ए सी इज इक्वल टू 1.5 × 2 इज इक्वल टू 3 मीटर, ओके। नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट फॉर द एल्डर चिल्ड्रंस। सो फॉर एल्डर चिल्ड्रन ओके, इसको मैं रफ में थोड़ा सा बॉक्स में ऐसे कर देता हूं। सो एल्डर चिल्ड्रन के लिए जो हमारे पास स्लाइड्स बननी है, अब स्लाइड की लेंथ कितनी होगी उसकी, वो हमें गिवन है 3 मीटर, और जो उसका एंगल होगा ग्राउंड के साथ वो हमें पता है दैट इज गिवन टू अस एज 60 डिग्री। इसको भी नाम देंगे कुछ पी क्यू आर, तो बाकी हमारा ऑलमोस्ट सेम होगा। और नाउ इन दिस केस पी आर इज क्वेश्चन मार्क टू अस,
पी क्यू इज गिवन टू एस एज 3 मीटर. तो हम सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इनकी रेशियो बनाएंगे. सो रेशियो विल बिकम पी क्यू अपॉन पी आर. पी क्यू अगर इस फिगर को देखें 60 डिग्री के ऑपोजिट है तो ये परपेंडिकुलर होगा, पी आर 90 डिग्री के ऑपोजिट है तो ये हाइपोटन्यूज होगा. एंड पी अपॉन एच वी नो दैट इज साइन और एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री. तो इक्वेशन तो हमने बना ली, अब सिंपली इसमें वैल्यूज पुट करते हैं और अपना आंसर निकालते हैं. सो पी क्यू हमें गिवन है 3, पी आर हमें फाइंड करना है तो इसको एज इट इज लिखेंगे. साइन 60 की वैल्यू हमें पता है इट इज इक्वल टू 1/√3 बाय 2. ओके एंड नाउ वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लाइंग. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से इट विल बिकम, यहां से कर देता हूं, 3 × 2 इज इक्वल टू पी आर रूट 3. सो पी आर की वैल्यू फाइंड करेंगे, पी आर इज इक्वल टू 6/√3. अब हमें कन्वेंशन याद होनी चाहिए कि हम कभी भी रूट की वैल्यू को डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ सकते. तो सिंपली इसको फाइंड आउट करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे तो √3 से मल्टीप्लाई किया. सो इट विल कम आउट एज 6√3/3 और ये कैंसल आउट हो जाएगा. सो फाइनल आंसर इज 2√3 मीटर. सो अवर आंसर इज कि जो स्लाइड फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 years, ओके लेंथ भी इंक्लूड कर लो, लेंथ ऑफ इज 3 मीटर एंड स्लाइड फॉर एल्डर चिल्ड्रन ये लेंथ ऑफ स्लाइड ऑफ एल्डर चिल्ड्रन इज 2√3 मीटर.